हेलो एंड वेलकम टू फिल्मी बीट। फादर्स डे पर रिधिमा ने पापा ऋषि कपूर को क्या याद, शेयर की कुछ खास तस्वीरें। वेल दोस्तों, बच्चों का जितना अपनी माँ के साथ लगाव होता है, उससे कहीं ज्यादा फादर के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग होती है। 21 जून को पूरा देश फादर्स डे मनाता है और इस खास मौके पर रिधिमा कपूर ने भी अपने पापा एक्टर ऋषि कपूर को याद किया। हालांकि ऋषि कपूर अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके परिवार और बच्चों ने उनके साथ बिताए पलों को आज भी तस्वीरों में संजो के रखा है। रिधिमा कपूर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कई फोटोज शेयर की हैं। इनमें ऋषि कपूर की कई फोटोज हैं, जिसमें रिधिमा ही नहीं बल्कि उनकी बेटी समारा भी अपने नाना जी यानी कि ऋषि कपूर के साथ नजर आ रही हैं। ऋषि और नीतू की फोटोज साझा करते हुए रिधिमा ने लिखा, लव यू पापा, विशिंग यू फादर्स डे, आपको मिस करती हूँ। इसके अलावा रिधिमा ने समारा के साथ भी ऋषि कपूर की एक फोटो शेयर की है, जिसमें दोनों ही काफी खुश नजर आ रहे हैं। रिधिमा ने फादर्स डे पर अपने भाई एक्टर रणबीर कपूर की फोटो भी शेयर की है। इसमें वो अपनी भांजी के साथ वक्त बिताते हुए दिख रहे हैं और ये है रिधिमा की पूरे परिवार की फोटो। यहाँ पर वो अपने पति भरत साहनी और बेटी समारा के साथ खड़ी हुई हैं और इसके साथ रिधिमा ने भरत के लिए लिखा है, दुनिया का सबसे ऑब्सेस्ड पिता, हैप्पी फादर्स डे। रिधिमा ने पापा ऋषि के साथ अपने बचपन की फोटोज भी शेयर की हैं। इनमें ऋषि काफी यंग और रिधिमा बहुत छोटी सी दिखाई दे रही हैं। रिधिमा ने अपने पापा के नाम का एक नोट भी लिखा है। उन्होंने लिखा है, डैड कभी कभी लगता है कि काश आप वापस आ जाते, पर फिर मैं आपको कोई दर्द झेलते नहीं देखना चाहती। मुझे पता है आप मेरे साथ हमेशा हो और मैं आपको अपने दिल में हमेशा प्यार करती रहूंगी, मिस करूंगी जब तक हम दोबारा नहीं मिलते हैं। रिधिमा की अपने पापा के साथ बहुत गहरी बॉन्डिंग थी। फोटोज में भी रणबीर से ज़्यादा रिधिमा के साथ ऋषि को देखा गया है। वो हर मौके पर अपने पिता के साथ खड़ी नजर आई हैं। वेल, आपको बता देते हैं कि अप्रैल में लॉकडाउन के दौरान ऋषि कपूर की मौत हो गई थी। उस वक्त रिधिमा घर से दूर थी, बाद में वो दिल्ली से रोड के रास्ते मुंबई पहुंची थी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी है आपको वीडियो, हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।